यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो भगवान एक और अनुपम जानकारी यहां दे रहे हैं, बता रहे हैं अर्जुन को कि वो क्यों आए हैं, क्यों उनके सामने उनके सखा के रूप में खड़े हैं, क्यों ये महाभारत का युद्ध रचा गया है, क्या बात है, क्या रहस्य है। भगवान बता रहे हैं कि जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है, जब भी धर्म का खात्मा होता है, जब भी धर्म का ह्रास होता है और अधर्म बलवती होने लगता है, अधर्म का बोलबाला होने लगता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान कह रहे हैं, श्री जामी अहम, मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो बहुत सुंदर बात है, यहाँ पे महाभारत का युद्ध इसी परिवेश में हुआ, जब अधर्म बढ़ गया था, जब धृतराष्ट्र अपने नाकाबिल पुत्रों को राजा बनाना चाहते थे और इसके लिए वो अधर्म का साथ दे रहे थे, जब उन्होंने पांडु पुत्रों को बाहर निकाल दिया, जब उनके साथ तरह तरह के अन्याय किए गए, तरह तरह के अत्याचार पांडवों पर किए गए, तब अधर्म बढ़ता चला गया। और इस अधर्म को रोकने के लिए भगवान को ये रूप लेना पड़ा, भगवान को पांडवों का दूत बनना पड़ा। कई कई बार भगवान ने भी प्रयास किया कि युद्ध ना हो, लेकिन अधर्म किसी प्रकार से रुक ही नहीं रहा था। और धर्म की स्थापना यानी कि पांडवों का राज स्थापित हो, इसके लिए भगवान को ये रूप लेकर आना पड़ा। और भगवान ने पांडवों की सहायता की ताकि धर्म की पुनर्स्थापना हो।